सुप्रभात छात्रों, मैं रेणु यादव आज आपको पढ़ाऊंगी जादुई कुएं, पाठ 13, हिंदी द्वितीय, नवीन पल्लव। जादुई कुएं। प्रस्तुत कहानी बौद्ध चतुराय के लिए प्रसिद्ध तेनाली राम एवं राजा कृष्णदेव राय की है। कहानी में बौद्ध बल के द्वारा बहुत ही रोचक ढंग से एक बड़ी समस्या का समाधान किया गया है। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा के आदेश अनुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वे संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली, कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं, तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी बहके बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए। वे आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने
उसकी बात मान ली और मंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुएं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांव में कोई कुएं नहीं है। राजा को यह पता लगाते देख मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुएं को ही बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने मंत्री को बहुत डांटा तथा उसे 100 और कुएं बनाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई। जीवन मूल्य, हम ऐसा काम ना करें जिससे हम शर्मिंदा हों। गृह कार्य, विद्यार्थी पाठ को दोबारा पढ़ेंगे व समझेंगे। विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक में से शब्द अर्थ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।